ये फ्रिक्शन का हमारा लेक्चर नंबर 12 है, ये आपका 12 लेक्चर है। इसमें आपका एक न्यूमेरिकल ही आपको हम कराएंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बिल्कुल डिफरेंट है पहले से। आपको लग रहा होगा कि पहले भी मैंने ऐसा न्यूमेरिकल कराया है, लेकिन पहले न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चेंज है। देखिएगा क्या है, टू ब्लॉक ए एंड बी इच वेइंग 1500 न्यूटन आर कनेक्टेड बाई ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बार विच वेट 1000 न्यूटन। इसने कहा है कि दो ब्लॉक हैं आपके ए और बी, जिनके वेट कितने हैं 1500 न्यूटन है, ठीक है, इसका वेट भी 1500 न्यूटन है और इसका वेट भी 1500 न्यूटन है। आर कनेक्टेड बाई ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बार, जो एक हॉरिजॉन्टल बार से कनेक्टेड है। ये ए बी आपको बार दिख रही होगी, ये मेटल की एक बार है जिससे ये कनेक्टेड है। आगे कहा इसने, इफ द एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर इच ब्लॉक इज 15 डिग्री, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है आपका वो कितना है 15 डिग्री, यानी किसकी वैल्यू दे दी आपकी, ये आपकी वैल्यू दे दी फाई की, फाई कितना है आपका 15 डिग्री। और आपको पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू होता है आपका टेन फाई, तो ये आ जाएगा टेन 15, तो यहाँ से फाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए टेन 15 की वैल्यू निकाल लेंगे, टेन 15 की वैल्यू आपकी आएगी 0.268, ये आपकी यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई। और उसने कहा है कि लिमिटिंग और एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर इच ब्लॉक, यानी इसके लिए भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इतना है और यहाँ भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इतना है, यानी दोनों कंडीशन में आपकी म्यू की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहा इसने, फाइंड द फोर्स पी डायरेक्टेड, ये यहाँ एक पी फोर्स इस तरह से लगा है, देखिए फाइंड द फोर्स पी डायरेक्टेड पैरेलल टू द 60 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन डेट विल कम मोशन इम्पेंडिंग टू राइट। इसने क्या कहा है कि 60 डिग्री आपका जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके पैरेलल जो ये पी फोर्स लगा है, ये जो पी फोर्स लगा है इसे कितनी क्वांटिटी में लगाया जाए कि आपका जो बी ब्लॉक है उसका मोशन राइट डायरेक्शन में रहे, यानी अपवर्ड रहे, यानी इसका मोशन की डायरेक्शन क्या रहे, अपवर्ड रहे। अब आप देखिए अगर बी का जो बी ब्लॉक है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी तो आपका ए कहाँ जाएगा, ए आपका डाउनवर्ड जाएगा, क्लियर है, दोनों में अपोजिट रहेगा। तो बी फोर्स में जो बी ब्लॉक है आपका इसमें अगर मोशन अपवर्ड रहेगा तो फ्रिक्शन आपका डाउनवर्ड लगेगा, और ए ब्लॉक में आपका मोशन डाउनवर्ड होगा तो फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ए का। तो देखिए आप इस तरह से ये ब्लॉक है आपका, ये आपका एंगल है आपका कितना 30 डिग्री, ये यहां आपने ब्लॉक रखा, ध्यान से समझिएगा जिससे आपको कोई डाउट ना हो। अब इसका जो वेट है कितना काम करेगा, देखिए भाई 1500 न्यूटन तो उसका वेट खुद का है, और मैंने कभी देखिए जो उसका 1000 न्यूटन का फोर्स है, इस 1000 न्यूटन का जो फोर्स होगा रोड का वो इक्वली ए और बी में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस 1000 न्यूटन का फोर्स 500 न्यूटन यहां काम करेगा, 500 न्यूटन यहां काम करेगा। हम यहां लिख सकते हैं, देखिए वेट ऑफ रोड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ब्लॉक ए एंड बी, ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो यहां जो आपका वेट काम करेगा डब्लू वो कितना काम करेगा 2000 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि आपका 1500 न्यूटन ये था यहां ऊपर और 500 न्यूटन आपका इसका इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इतना वेट इसका काम करेगा। अब आपको पता है जो डब्लू वेट काम करता है तो उसका एक कंपोनेंट तो यहां काम करेगा इस तरह से और एक कंपोनेंट आपका यहां काम करेगा, ये कंपोनेंट होगा आपका 2000 sin 30 और ये कंपोनेंट होगा आपका 2000 cos 30, साथ के साथ करते चलेंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो। ये इसके अंदर हॉरिजॉन्टल क्या लगी है, बार लगी है, तो इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, तो ये आ गया आपका, देखिए ये आ गया आपका कंप्रेसिव फोर्स सी, इतना काम हमने कर दिया। अब जिस सरफेस पर ये रखी है वहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से आपकी रिएक्शन लगेगी आर वन, इसे मैंने क्या कह दिया, आर वन कह दिया, क्लियर है। अब रही बात फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन के लिए क्या है, देखिए मैंने बताया था ए का मोशन क्या होगा डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा आपका, आपका फ्रिक्शन लगेगा यहाँ एफ वन इजगल टू म्यू वन म्यू आर वन,
क्योंकि म्यू की वैल्यू तो दोनों कंडीशन में सेम है, तो ये सारे फोर्स मैंने देखे लगा दिए। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने मान लिया कि ये जो एक एक्सिस आपका ये है, एक एक्सिस आपका ये है भाई, एक तो ये आर वाली लाइन है और एक ये वाली है एफ वाली लाइन, या 2000 sin 30 वाली। तो इस लाइन को मैंने क्या कह दिया, इस लाइन को मैंने वाई कह दिया, इस लाइन को मैंने एक्स कह दिया। यानी इस लाइन में जो फोर्स काम कर रहे हैं वो समीशन एक्स में आएंगे, और इस लाइन में जो काम कर रहे हैं वो समीशन वाई में आएंगे। तो देखिए आर इस लाइन पे काम कर रहा है वर्टिकल, ये भी वर्टिकल है, ये आपका जो आपका ये डब्ल्यू न्यूटन फोर्स था, इसका एक कंपोनेंट ये आया, एक ये आया। ऐसे ही अब हमें सी के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। सी के कंपोनेंट के लिए मुझे इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, देखिए अब ये आर वाली लाइन है, आप यहां देखिए ये एंगल कितना है 30, ये एंगल 90, तो आर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, ये 60 भाई, ये 30, ये 90, ये हॉरिजॉन्टल से बनाएगा 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो ये एंगल आ जाएगा 60। तो सी का एक कंपोनेंट ये आएगा, ये आएगा सी कोस 60, और एक कंपोनेंट सी का ये आएगा सी साइन 60। इस तरह से अब ये डायग्राम पूरा हो गया आपका, आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ इतना चेंज है कि अगर रोड का वेट दे दे, तो अगर रोड आपकी इस तरह से है तो उसका वेट दोनों ब्लॉक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहां लगाएंगे, देखिए हम इन ब्लॉक ए, ब्लॉक ए की बात कर रहे हैं, तो ब्लॉक ए में हम क्या लगाएंगे, समीशन एफ एक्स इजिकल टू जीरो, ठीक। तो एफ एक्स की लाइन कौन सी है, एफ एक्स की लाइन है आपकी ये वाली सॉरी, एफ एक्स की लाइन है आपकी ये वाली। तो इसमें देखिए जो एफ वन आपका म्यू आर वन है, एफ वन इजिकल टू म्यू आर वन, अपवर्ड काम कर रहा है, तो मैंने ऊपर की डायरेक्शन तो ले ली प्लस, यानी म्यू आर वन, ठीक। और ये जो आपका सी साइन थीटा सी साइन 60 है, ये भी ऊपर की ओर काम कर रहा है, तो प्लस के सी साइन 60, और ये आपका 2000 sin 30 कहाँ कर रहा है, डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो माइनस के 2000 sin 30 इजिकल टू जीरो। ये मैंने इस तरह से यहां समीशन एफ एक्स की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब मैंने इसे कह दिया क्वेश्चन नंबर वन, अब मैंने क्या क्या देखिए, समीशन एफ वाई इजगल टू जीरो किया, तो जब समीशन एफ वाई इजगल टू जीरो किया, तो एफ वाई में आपके देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, एक तो आपका ये आर वन अपवर्ड काम कर रहा है, और ये डाउनवर्ड है सी कोस 60, और 2000 cos 30 भी डाउनवर्ड है, तो यहां से आपकी इक्वेशन बनेगी आर वन माइनस सी कोस 60 माइनस 2000 cos 30 इक्वल टू जीरो। तो यहां से मैंने आर वन की वैल्यू निकाल ली, देखिए आर वन आपका यहां से आ जाएगा सी कोस 60 प्लस 2000 cos 30, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर टू, ये वैल्यू जो आपकी आर वन की है उसे इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो, आर वन की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो। तो यहां क्या है, देखिए म्यू आर वन, म्यू की वैल्यू आपको पता है, म्यू आपने निकाला था भी, यह आ जाएगा 0.268 इंटू आर वन, आर वन क्या है आपका सी कोस 60 प्लस 2000 cos 30 प्लस सी साइन 60 और माइनस 2000 sin 30 इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है। अब इसकी जो 0.268 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा आपका 0.268 सी कोस 60 प्लस 0.268 इंटू 2000 cos 30 प्लस सी साइन 60 माइनस, इसे सोल्व करेंगे 2000 है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 से 2000 कट जाएगा, क्या बचेगा 1000, इसे मैंने 1000 लिख दिया डायरेक्ट, ये आ गया आपका जीरो, क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमने क्या किया, ये जो टर्म है आपकी देखिए ये वाली जो है इसमें सी है, और इस वाली टर्म में दोनों में सी है, तो इन दोनों में से मैंने सी कॉमन ले लिया, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया मैंने सी, तो यहां से जब मैंने सी कॉमन लिया तो देखिए क्या आएगा आपका, सी कॉमन आया, अंदर बचा 0.268 cos 60
साइन 60, ठीक है। और यहां क्या बचा, यहां बचा आपका ये क्या बचा, प्लस के 0.268 इंटू 2000 cos 30 माइनस के 1000 इज इक्वल टू 0। यह आ गया आपका सी इंटू, इसे कैलकुलेट करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे यहां से लेके यहां तक, जब पूरे को कैलकुलेट करूंगा तो पूरे की वैल्यू आएगी माइनस के 535.81, क्लियर। तो यहां से आपकी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टर्म आपकी इधर आ जाएगी इक्वल टू से, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 535.81 न्यूटन। तो यहां से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, यहां से आपने सी निकाल लिया कि आपकी बार के अंदर कितनी कितना कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, क्लियर है। तो यहां से आपको ये सी की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो सी थोड़ा ही निकालना, हमें तो ये पी निकालना, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, अब इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए तो जब इस वाले ब्लॉक का बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा, यह आपका कितना है 60 डिग्री, यह आपका कोई ब्लॉक रखा है यहां पर, इसका भी वेट कितना आएगा, इसका वेट भी काम करेगा आपका 2000 न्यूटन, क्लियर है। तो 2000 न्यूटन का एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट आपका ये आएगा, ये कंपोनेंट होगा आपका 2000 cos 60, ठीक है, और ये कंपोनेंट आएगा आपका इधर 2000 sin 60। एक फोर्स आपका ये पी काम कर रहा है इधर, ठीक है, यहां से एक रिएक्शन लगेगी आपकी इस तरह से, उसे कह दिया मैंने R2। एक आपकी ये कंप्रेसिव फोर्स लगेगा आपका इस तरह से सी, इसी का कंप्रेसिव फोर्स लगेगा बार का। और आपका मोशन क्या है, मोशन इसका अपवर्ड रहेगा, जब मोशन इसका अपवर्ड रहेगा तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन आपका लगेगा इस तरह से डाउनवर्ड, ठीक है, ये आपका आएगा फ्रिक्शन डाउनवर्ड F2 = μr2। अब बात आती है देखो सी के एंगल की, कि ये सी यहां से कितना एंगल बना रहा है, इसका भी कंपोनेंट लेंगे। देखिए ये एंगल है 60, ये एंगल है आपका 90, तो आर आपका ओरिजिनल से कितना एंगल बनाएगा 30, क्योंकि ये 60 है ये 90 है। अगर मैं इस तरह से एक ट्राइंगल बनाऊंगा तो ट्राइंगल के हिसाब से ये एंगल आपका 30 आएगा, तो ये एंगल हो गया आपका 30। तो यहां से जो सी का कंपोनेंट आएगा, एक तो ये आएगा C cos 30, और एक कंपोनेंट ये आएगा आपका ऊपर की डायरेक्शन ये रहेगी इसकी C sin 30, ठीक है। अब सब फोर्स लग गए इसमें, अब आपकी ये वाली जो डायरेक्शन है ये तो है एक्स और ये है आपकी वाई, यानी आपने कैसे मान लिया, देखिए आपने इस तरह से मान लिया, इसे ये एक्स डायरेक्शन मान ली, ये आपने वाई डायरेक्शन मान ली, इस तरह से ये एक्स और ये वाई, ये एक्सिस ले लिया आपने। तो इसमें देखिए क्या आएगा, समीशन FX = 0 लेंगे पहले, जब समीशन FX = 0 आएगा तो पी तो आएगा प्लस का, और ये प्लस क्या आएगा C sin 30, और ये क्या आएगा माइनस के 2000 sin 60, ठीक है, और माइनस का क्या आएगा, माइनस का आएगा μr2 और = आ जाएगा 0, क्लियर है। एक ही क्वेश्चन बन गई आपकी समेशन FX की, ठीक है 2000। अब इसके बाद हम बात करेंगे देखिए किसकी, समीशन FY की, इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया यहां पर। अब समीशन FY आपका देखिए क्या आएगा, समीशन FY = 0 आएगा, तो Y में देखिए एक तो R2 आपका प्लस का आएगा, ये C cos 30 आपका माइनस का आएगा, ठीक है, और ये 2000 cos 60 भी आपका माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, = आ गया 0, ठीक। तो R2 की वैल्यू यहां से आ गई, देखिए ये C cos 30 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो C की वैल्यू आपको पता है, C की वैल्यू आपने ये निकाली अभी, तो ये आ जाएगा आपका 535.81 इंटू cos 30, और ये टर्म भी इधर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की 2000 cos 60। इसे कैलकुलेट करेंगे इधर वाली टर्म को, तो यहां से R2 की वैल्यू आपकी आएगी निकल के, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लस है, ये आपका यहां पर देखिए प्लस का है, ठीक है, ये माइनस का ही है, तो जब C cos 30 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का इधर आकर, और ये हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है।
तो यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी माइनस का ही रहेगा, ये गलती हो गई यहां पर, क्योंकि सी कोस 30 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और 2000 कोस 60 की डाउनवर्ड डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, तो दोनों माइनस के रहेंगे और इधर आके दोनों किसके हो जाएंगे प्लस के, ठीक है, एज इट इज रहेगा, कोई करेक्शन नहीं है। तो आर टू की वैल्यू यहां से निकल के आएगी आपकी 1464.1 न्यूटन, यहां से आपकी किसकी वैल्यू निकल गई आर टू की। अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन में देखो सी की वैल्यू मुझे पता है, म्यू की वैल्यू पता है, आर टू की वैल्यू मैंने निकाल ली, सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो पी की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कैसे, नाउ यह जाएगा पी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सी है 535.81 इंटू साइन 30 माइनस 2000 साइन 60 और माइनस म्यू की वैल्यू है आपकी 0.268 और आर टू की वैल्यू है 1464.1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया यहां से। अब इसके बाद इसे कैलकुलेट करेंगे पूरी वैल्यू को, यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है ये वाली, यहां से लेके यहां तक पूरी वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी -1856.5, ठीक है, सारी की सारी वैल्यू एक ही साथ कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा, कैलकुलेटर जब है हमारे पास तो उसका लाभ उठाएं और सारी कैलकुलेशन को एक बार करें, ऐसा नहीं है कि आपने ये अलग की ये अलग की ये अलग की, उससे आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा। तो कैलकुलेटर चलाना सीखें तभी आप मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो यहाँ से पी की वैल्यू आपकी आ गई, ये आ गया इधर, ये प्लस का हो गया 1856.5 न्यूटन। तो इस तरह से आपने पी की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर ली। तो देखिए ये जो पी फोर्स है ये आपने निकाल लिया कि इतना फोर्स लगाने से आपके बी फोर्स की डायरेक्शन या बी फोर्स के मोशन की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो देखिए पूरे पेज पर एक न्यूमेरिकल आ गया, आप आसानी से ऊपर से नीचे तक एक ही बार में समझ सकते हैं, ठीक है, इस न्यूमेरिकल को करके देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा इस न्यूमेरिकल में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। वैसे तो मैंने अच्छी तरह समझाया है, फिर भी आप एक बार इसे करके जरूर देखिएगा, ठीक है। आप जो है इस वीडियो को शेयर भी कर दें, जितनी भी मैकेनिक्स की वीडियो है जो भी मैकेनिक्स पढ़ना चाहता है उसे आप भेज दें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।